दोस्तों, भले ही अमेरिका और चीन विकसित देश हैं, लेकिन अब भारत आने वाले समय में हवाई ताकत का बादशाह बनने वाला है। आपको बता दें कि 2023 के अंत तक, यानी कि एक महीने पहले, भारत की वायुसेना को लेकर यह कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से परेशान है। अभी मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की 30 स्क्वाड्रन हैं, और जिस तरह से हमारा देश चीन और पाकिस्तान से संघर्ष कर रहा है, दोनों तरफ जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, उसे देखते हुए टू फ्रंट वॉर के लिए भारत को कम से कम 40 स्क्वाड्रन चाहिए। यहां पर आप अगर स्क्वाड्रन शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसे यूं समझ लीजिए कि एक स्क्वाड्रन में 16 फाइटर जेट होते हैं, यानी इस हिसाब से भारत को तत्काल प्रभाव से ज्यादा नहीं तो कम से कम 160 विमान तो चाहिए ही चाहिए। और भारत इस जरूरत को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है, किसी भी कीमत पर। अब अगर भारत में इन विमानों को बना लिया जाता है तो ठीक होगा, नहीं तो फिर भारत इन विमानों के लिए किसी और देश से संपर्क भी कर सकता है। और ये प्लानिंग भारत सरकार की कई महीनों से जारी है। दोस्तों, इसको लेकर अब जबरदस्त अपडेट सामने आई है, और ये ऐसी अपडेट है जिसने पूरी दुनिया में कई देशों की जड़ों को हिला कर रख दिया है। चीन परेशान है तो रूस भी यह जानकर चौंक गया कि भारत तो फाइटर जेट की आंधी लाने वाला है, और इस आंधी के लिए भारत जिन फाइटर जेट्स को भारत की धरती पर लैंड कराने वाला है, उनके नाम रिकॉर्ड है कि वो आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारे हैं। जी हाँ, इस फाइटर जेट का नाम है राफेल। जी हाँ, भारत अब वो फैसला लेने वाला है जिसकी कल्पना दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने की थी। उन्होंने काफी समय पहले से ही मोदी सरकार से फ्रांस से 90 राफेल विमानों की डील करने के लिए कहा था, और अब इसको लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि भारत फ्रांस से 90 राफेल विमान और खरीदने वाला है। दोस्तों, ये राफेल विमान कौन से होंगे, यानी कि F3 कैटेगरी के होंगे या फिर F4 कैटेगरी के, और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये विमान कब और किस तरह से भारत आने वाले हैं। ये बताने से पहले हम आपको इससे भी बड़ी खबर बताते हैं जो भारत के स्वदेशी लड़ाके तेजस को लेकर आई है। लेकिन दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता ही है, अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं तेजस विमानों को लेकर क्या नया अपडेट आया है। भारत लाने वाला है 300 तेजस विमानों की आंधी, चीन और पाकिस्तान पर बरसने वाली है मौत। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत टू फ्रंट वॉर, यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों से लगती सीमा पर भयंकर तनाव का सामना कर रहा है, और भारत इन दोनों के लिए परफेक्ट विमान चाहता है, और इनका इलाज कर सकते हैं भारत के दो विमान, यानी कि तेजस और राफेल, और इसको लेकर भारत ने बड़ी प्लानिंग कर ली है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना भारत के बनाए हुए तेजस मार्क 1 को इस्तेमाल करने भी लगी है, और इसे पाकिस्तान से लगती सीमा पर राजस्थान में तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। भारत अगले 4 सालों तक, यानी कि 2027 तक 80 से ज्यादा तेजस विमान भारतीय वायुसेना को सौंप देगा, जिसमें 70 तेजस MK-1 लड़ाकू और 10 ट्रेनर विमान होंगे। वायुसेना प्रमुख चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने पुष्टि की कि भारतीय वायुसेना को कुल 40 अनुबंधित तेजस MK-1 विमानों में से 25 विमान मिल चुके हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों का बेड़ा 31 स्क्वाड्रन से नीचे है, इसलिए मेक इन इंडिया पहल के तहत स्क्वाड्रन बढ़ाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाने लगे हैं। वायुसेना चरणबद्ध तरीके से LCA, वेरियंट MRF, A और AMCA के माध्यम से स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के प्रयास में है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की एक स्क्वाड्रन 16 युद्धक विमानों और पायलट ट्रेनिंग के 2 विमानों से मिलकर बनती है। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की 30 स्क्वाड्रन है, जबकि टू फ्रंट वॉर की तैयारियों के लिहाज से कम 40 स्क्वाड्रन की जरूरत होती है। इसीलिए वायुसेना ने 2030 तक 10 और स्क्वाड्रन बढ़ाने का फैसला किया है। नई बनने वाली 10 स्क्वाड्रन का 75% हिस्सा स्वदेशी LCA और 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से पूरा किया जाना है। LCA तेजस मार्क 1 के 40 विमानों का ऑर्डर पहले ही HAL को दिया जा चुका है। इनमें से 25 विमान मिल गए हैं और वायुसेना की सेवा में है,
इन 40 विमानों में तेजस मार्क 1 के मुकाबले 43 तरह के सुधार किए जाने हैं। इनमें हवा से हवा में ईंधन भरने, लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाने, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए दुश्मन के रडार और मिसाइलों को जाम करने के लिए सिस्टम लगाया जाना है। भारत खरीदने वाला है फ्रांस से 90 नए राफेल विमान। दुश्मनों ने जो सोचा भी नहीं वह होने वाला है। वहीं वायुसेना ने हाल ही में करीब 100 और मेड इन इंडिया तेजस मार्क 1 लड़ाकू जेट खरीदने की योजना की घोषणा की है। ये विमान जो पहले के ऑर्डर किए हुए विमान हैं उनसे अलग है। दोस्तों आपको बता दें कि LCA तेजस लड़ाकू विमान बहुत बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना में फिर से प्रवेश करेंगे। भारतीय वायुसेना के पास अगले 15 सालों में करीब 180 LCA मार्क 1 और कम से कम 120 तेजस मार्क 2 विमान होंगे, यानी जल्द ही 300 तेजस विमान भारत की शान बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, क्योंकि इन 300 तेजस विमानों के अलावा भारत 90 नए राफेल और लाने वाला है। इसको लेकर आज एक भयंकर खबर सामने आई। आप ये खबर देखिए, भारत अपने को स्क्वाड्रन को और बढ़ाने के लिए 90 राफेल विमान खरीदने वाला है। इसको लेकर ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि यह विमान AF-4 कैटेगरी के हो सकते हैं, यानी कि पहले के बजाय यह नए राफेल विमान काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन मेड ओमनीपोटेंट रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल होने के कारण दो इंजन वाला राफेल फाइटर जेट एयर सुप्रीमो, यानी कि हवा में अपनी ताकत कायम करने के साथ साथ डीप पेनिट्रेशन यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में भी सक्षम है। यानी राफेल जब आसमान में उड़ता है तो कई 100 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन पास नहीं भटक सकता। साथ ही वह दुश्मन की जमीन के अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर तबाही मचा सकता है। इसलिए राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान कहा जाता है। राफेल अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। सबसे खास यह है कि दुनिया की सबसे घातक समझी जाने वाली हवा से हवा में मार करने वाली मैटियोर मिसाइल। ये मिसाइल चीन तो क्या किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है? यानी कि राफेल प्लेन वाकई दक्षिण एशिया में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बियॉन्ड विजुअल रेंज मैटियोर मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल दुनिया की सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल से लैस है। राफेल में एक और खासियत यह है कि इसके पायलट के हेलमेट में ही फाइटर प्लेन का पूरा डिस्प्ले सिस्टम मौजूद है, यानी उसे प्लेन के कॉकपिट में लगे सिस्टम को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसका पूरा कॉकपिट का डिस्प्ले हेलमेट में ही रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।